यार दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने दुनिया के ऐसे ऐसे खूबसूरत मकामात इंसान के लिए तख्लीक किए हैं जहाँ पर हजारों लोग सालाना बुनियादों पर अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 खूबसूरत तरीन ममालिक के बारे में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, नॉर्वे। दोस्तों, नॉर्वे 385,207 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित एक इंतहाई खूबसूरत मकाम है। यहाँ की आबादी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और खुशहाल गर्दानी जाती है और इसके गिर्दो नवाह में ऐसे प्यारे प्यारे पहाड़ और कुदरती मनाजिर पाए जाते हैं कि हनीमून के लिए बहुत सारे कपल यहाँ का रुख करते हैं। इसका कैपिटल ओस्लो है और यहाँ पर सरकारी जुबान बोकमोल, सामी जबाने नैनुशिक और नर्वियन बोली जाती है। दोस्तों, इसकी आबादी 5,36,780 है। आज से 18,000 साल पहले नॉर्डिक का पूरा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था जो ग्लेशियर की सूरत में था, और तकरीबन 10,000 साल कबल मसीह दर्जा हरारत में जब तब्दीली वाक़े होना शुरू हुई तो बर्फ भी पिघल गई। इस तरह नॉर्वे का साहिल बर्फ से आजाद हो गया और वक्त गुजरने के साथ साथ नॉर्वे दुनिया के खूबसूरत मकामात में से एक मकाम की सूरत में आपको नजर आता है। नंबर 4, मालदीव। दोस्तों, बाज़ाब्ता नाम जम्हूरिया मालदीव है जो जज़ायर पर मुश्तमिल एक रियासत है और ये बहरे हिंद में वाक़ है। ये भारत के जज़ायर लक्षद्वीप के जनूब में, जबकि श्रीलंका से तकरीबन 700 किलोमीटर यानी 435 मील जनूब मग़रिब में वाक़ है। 26 मरजानी चट्टाने एक ऐसे खित्ते को तश्कील देती हैं जो 1,192 छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इसमें तकरीबन 200 जजीरे ऐसे हैं जिन पर इंसानी आबादी मौजूद है। मालदीव का दारुल हुकूमत माले है जहां पूरे मुल्क की 80% आबादी कयाम पजीर है। यहां के ज्यादातर लोग मुसलमान हैं और मालदीव एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अगर आप हॉलीडेज के लिए जाना चाहें तो आपका खर्चा बहुत ही कम होगा। लेकिन दोस्तों, एक बुरी खबर भी है और वो ये कि बहुत जल्द मालदीव दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी लेवल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय मुल्क है जो जगराफियाई एतबार से एक तरफ कोहे अल्प्स की खूबसूरत वादियों और दूसरी तरफ अयूरा की ऊंची नीची पहाड़ियों में वाक है। ये मुल्क 21,265 मुरब्बा किलोमीटर या यूँ कहिए कि 15,940 मुरब्बा मील रकबे पर मुहित है। ज्यादातर इलाका अल्प्स के खुश मंजर पहाड़ों में घिरा हुआ है। मुल्क की मजमूई आबादी 2015 के एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 8 मिलियन यानी 80 लाख है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड इतना खूबसूरत है कि पूरी दुनिया में जो कपल सबसे ज्यादा अमीर होते हैं वो अपने हनीमून के लिए हमेशा स्विट्जरलैंड ही जाते हैं। और अगर आपने किसी मुल्क की खूबसूरती को बयान करना हो तो आप यूँ कहते हैं कि भाई, यूँ लगता है कि मैं तो स्विट्जरलैंड आ गया। दोस्तों, स्विट्जरलैंड फीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया के खुशहाल ममालिक में शुमार किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर मौजूद लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं और यहाँ की मईशत भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ज्यूरिख और जनेवा जैसे बैनुल अक्वामी शोहरत के हामिल शहरों को मुल्क की मईशत में निहायत अहम मकाम हासिल है और आप यहाँ का टूर भी कर सकते हैं। नंबर 2, आइसलैंड। दोस्तों, आइसलैंड का सरकारी नाम जम्हूरिया आइसलैंड यानी के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड है। दोस्तों, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये बहुत ही ठंडा इलाका है और इस इलाके के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की जात ने इतनी खूबसूरत चट्टाने, इतने खूबसूरत पहाड़ और ऐसे सब्जाजार तख्लीक किए हैं कि आप इन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी तकरीबन 31,13,996 है, यानी तकरीबन 3.1 मिलियन। इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर रिकयाविक है। वस्ती अटलांटिक प्लेट पर अपने महल्ले वकू के लिहाज से आइसलैंड आतिशफिशानी और अर्जियात के हवाले से काफी बड़े पैमाने पर मुतहर्रिक है और इस इलाके के अंदर बहुत सारे लोग सालाना बुनियादों पर जो टूर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको एक मैं मजेदार फैक्ट भी बताता चलूं कि गेम ऑफ थ्रोन्स, जो दुनिया का एक नहायत सक्सेसफुल और मशहूर तरीन सीजन है, उसका बहुत सारा हिस्सा जिसमें व्हाइट वॉकर्स के साथ लड़ाई की जाती है वो यहीं पर शूट किया गया है। नंबर 1, स्कॉटलैंड। दोस्तों, ये यूनाइटेड किंगडम का एक रुकन मुल्क है। ये मुल्क बरतानवी जजीरे के शुमाली एक तहाई हिस्से पर वाक़ है और अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपके पास यूके का बाकायदा वीजा होना चाहिए। दोस्तों, असल में आइलैंड जो मिलकर स्कॉटलैंड को बनाते हैं, इनकी तादाद 790 है। ये छोटे छोटे जजीरे हैं। एडिनबरा स्कॉटलैंड का दारुल हुकूमत और दूसरा बड़ा शहर है। ये शहर यूरोप के बड़े तजारती मराकज में से एक है और एडिनबरा को माजी में स्कॉटलैंड के मरकज की हैसियत हासिल थी, लेकिन अब ग्लासगो स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर
बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट भी आते हैं जिनका ताल्लुक दुनिया के छोटे ममालिक से होता है। पाकिस्तान से भी एक बड़ी तादाद स्कॉटलैंड शिफ्ट हो चुकी है। और आपको मजे की बात बताता चलूं कि पाकिस्तान टेलीविजन के बहुत सारे ड्रामे स्कॉटलैंड के अंदर शूट हुए हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए द ग्रे चैनल को। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।